आइए आइए, फुर्सत मिल गई तुम्हें? लगता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, और आपकी ये नाराजगी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अब क्या तू मेरी खुशियां इसी तरह हासिल करेगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हुआ कि इस बार मैं बहुत दिनों के बाद आई, कम से कम आपके गुस्से के थ्रू आपका प्यार तो नजर आया। तू लोगों का गुस्सा ठंडा करना अच्छी तरह जानती है। नहीं, वैसे तो मैं बिजी थी, लेकिन मैंने अपने आप को और बिजी कर लिया था ये सोच के कि आप शायद अपनी नई बहू के साथ बिजी होंगी। बहू? क्यों, आप अपनी नई बहू से खुश नजर नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ नहीं बल्कि दूसरे घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर मैं क्या करूं, मेरे नसीब में बहू का प्यार ही नहीं है। खैर, मेरी बात छोड़, इट्स वेरी बोरिंग। अपना बता, क्या हो रहा है? बस सब ठीक ही चल रहा है। देख मैत्री, जो तू नहीं कहना चाहती है ना, वो मैं तेरे चेहरे पे पढ़ सकती हूँ। बता, बात क्या है? मैं बहुत जल्द मल्होत्रा इंडस्ट्रीज छोड़ के जा रही हूँ। क्यों, स्टेट वापस जा रही है? नहीं, स्टेट्स तो नहीं जा रही, इस वक्त ये भी नहीं बता सकती कि कहाँ जाऊंगी। लेकिन फिर तू मल्होत्रा इंडस्ट्रीज क्यों छोड़ रही है? जाने दीजिए ना। जाने तो मैं नहीं दूंगी, पता तो मैं लगाकर ही छोड़ूंगी। हाँ, बहरहाल अगर तू मुझे खुद बता दे तो शायद मेरी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। वो अपनी चेयरपर्सन है ना, वाइस चेयरपर्सन शीला जी, उन्होंने पता नहीं क्यों डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में नहीं रहने देंगी। हर बात पे मुझे ताना देती हैं, मुझे नीचा दिखाती हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू फिक्र क्यों करती है, मैं जो तेरे साथ हूँ। मैं जल्दी शीला के पास जाऊंगी और उसको पूछूंगी कि उसका प्रॉब्लम क्या है। ओके, डोंट वरी। अच्छा बैठो।